दोस्तों आज के दौर में दुनिया भर में तमाम बड़े देशों के बीच एक कोल्ड वॉर जैसे हालात चल रहे हैं। ये कोल्ड वॉर कब असली वॉर में बदल जाए इसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन आज दुनिया के तमाम छोटे और बड़े देशों के बीच जो हो रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़े हुए हैं। दुनिया के तमाम छोटे और बड़े देश इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं, इसलिए दुनिया भर के कई देशों के बीच खुद को ताकतवर बनाने की होड़ सी लग गई है। आज हर एक देश दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। हर देश चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन जाए ताकि जब वॉर हो तो उसकी स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज अमेरिका और चीन जैसे कई बड़े देश अपनी सेनाओं पर अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। इन ताकतवर देशों का रक्षा बजट कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। वहीं इस दौड़ में भारत और जापान जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। नंबर 10, टर्की। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में 10वें नंबर पे आता है टर्की। टर्की यूं तो एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश की आर्मी भूमध्य सागर में सबसे बड़ी है। ये देश अपनी आर्मी पे सालाना 18.2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। इस देश की आर्मी के पास 3,778 टैंक, 1,020 लड़ाकू विमान और लगभग 13 पनडुब्बियां मौजूद हैं। इसके पास इतने शक्तिशाली टैंक हैं जो किसी भी देश की आर्मी को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड मैप पे टर्की इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसलिए दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका चाहते हैं कि टर्की उनकी साइड रहे। यूरोप और रशिया का गेटवे होने के कारण ही टर्की को दुनिया के दो ताकतवर देश अपनी साइड करना चाहते हैं, और इस वजह से टर्की को काफी ज्यादा लाभ भी मिलता है। दोस्तों टर्की की शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि टर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर सेना है, और नेटो में शामिल देशों में अमेरिका के बाद टर्की है जिसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। नंबर 9, जर्मनी। दोस्तों जर्मनी यूरोप के सबसे ज्यादा विकसित और विकासशील देशों में से एक है। मध्य यूरोप का ये देश दुनिया के 9 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जर्मनी का इतिहास और उसका भूगोल उसे एक खास क्षेत्र तो बनाता ही है, लेकिन इस देश की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ के लोग काफी जिंदा दिले के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। इसी बात ने जर्मनी को यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक और सफल देश भी बना दिया है। जर्मनी को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब कहें तो गलत नहीं होगा। जर्मनों को बहुत ही कार्यकुशलता, समय और नियमों में काफी सख्त किस्म का माना जाता है। जर्मनी के औजार दुनिया में सबसे सटीक माने जाते हैं। इस देश को अब तक हुए 2 वर्ल्ड वॉर में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन 1990 के बाद से जर्मनी लगातार खुद की आर्मी को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस देश ने दुनिया भर में खुद को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया है। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। एक समय पर भारत समेत कई देशों को अपना गुलाम बना चुका इंग्लैंड भले ही आज कई बड़े और विकसित देशों से पिछड़ गया हो, लेकिन इस देश की पावर को आज भी अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अपनी सैन्य शक्ति के मामले में यह देश आज भी बाकी कई देशों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इस देश की सैन्य पावर की बात करें तो ये देश अपने रक्षा बजट पे हर साल तकरीबन 60 मिलियन डॉलर खर्च करता है। इसके अलावा इस देश के पास तकरीबन 14 लाख एक्टिव फ्रंटलाइन जवानों की संख्या है। अगर टैंकों की बात करें तो इस देश के पास तकरीबन 460 टैंक हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के पास तकरीबन 936 पावरफुल विमान हैं, जो अपने देश पर होने वाले किसी भी अटैक के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं इस देश की नेवी को दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल नेवी में शामिल किया जाता है। इस देश की नेवी के पास तकरीबन 10 एडवांस पनडुब्बियां हैं जो किसी भी सेना को पानी के अंदर आसानी से चकमा दे सकती हैं। नंबर 7, फ्रांस। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल देशों में 7वें नंबर पर फ्रांस का नाम आता है। दोस्तों फ्रांस के पास यूं तो कई बड़े देशों के मुकाबले बहुत छोटी सेना है, लेकिन इस देश ने अपनी छोटी सी सेना को इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया है कि ये सेना किसी भी सेना के छक्के छुड़ा सकते हैं। अगर फ्रांस के रक्षा बजट की बात करें तो ये देश अपनी सेना के ऊपर सालाना 62 मिलियन डॉलर खर्च करता है। इस देश की सेना के पास एक्टिव फ्रंटलाइन जवानों की संख्या 2 लाख है, जो नंबर के मामले में भले ही बहुत छोटी नजर आती हो, लेकिन ये छोटी सी सेना किसी भी देश की बड़ी से बड़ी सेना को भी हराने में सक्षम है। फ्रांस की सेना के पास 423 टैंक है, और इसके अलावा इनकी सेना के पास कुल 1264 एडवांस लड़ाकू विमान है जो किसी भी हालत में लड़ने और मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। फ्रांस की सेना के पास 10 पनडुब्बियां भी हैं जो समुद्र के अंदर रहकर अपने देश की मजबूती के साथ रक्षा करते हैं। नंबर 6, साउथ कोरिया। दोस्तों जिस देश की सेना की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो साउथ कोरिया की ही सेना है। साउथ कोरिया यूं तो एक अलग थलग देश है, लेकिन ये छोटा सा देश अपने देश के कुल बजट का जितना पैसा अपनी आर्मी पे लगाता है
उतना शायद ही कोई दूसरा देश लगाता होगा। इसके अलावा ये देश अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये देश अपने परमाणु बमों के जखीरे की वजह से न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क नॉर्थ कोरिया को आए दिन डराता रहता है, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े और ताकतवर देशों को भी आंख दिखाता है। अगर इस देश के रक्षा बजट की बात करें तो ये छोटा सा देश अपने देश की रक्षा के लिए तकरीबन $62 बिलियन खर्च करता है। इस देश की सेना के पास तकरीबन 6,24,465 एक्टिव फ्रंटलाइन जवान हैं, जो दिन रात देशभक्ति की भावना से अपने देश की रक्षा में लगे हुए हैं। इसके अलावा इस देश की वायुसेना के पास तकरीबन 1,412 लड़ाकू विमान भी हैं। अगर इस देश के पनडुब्बियों की बात करें तो इस देश के पास तकरीबन 8 पनडुब्बियां हैं। नंबर 5, दुनिया के 10 ताकतवर देशों में साउथ कोरिया के बाद नंबर आता है जापान का। दोस्तों, जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमलों का सामना कर चुका है। इस हमले ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसी तबाही मचाई थी जिसकी निशानियां आज भी इस देश में साफ देखी जा सकती हैं। फिलहाल अब इस बात को काफी समय हो चुका है और जापान अब अपने इस काले अतीत से काफी आगे बढ़ चुका है। अब ये देश अपने डिफेंस के लिए सालाना तकरीबन $41.5 बिलियन खर्च करता है। इसके अलावा इस देश के पास तकरीबन 2,00,000 जवान हैं, जो हर समय अपने देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। जापान की आर्मी के पास तकरीबन नई टेक्नोलॉजी से लैस 678 टैंक हैं, जिनकी मारक क्षमता जबरदस्त है। वहीं अगर इस सेना के लड़ाकू विमानों की बात करें तो इस देश के पास लड़ाकू विमानों की संख्या तकरीबन 1,613 तक है। जापान अब अपने ऊपर होने वाले किसी भी अटैक के लिए एकदम तैयार नजर आता है। दोबारा से किसी देश के लिए जापान पर अटैक करना उस देश के लिए काफी भारी पड़ सकता है। नंबर 4, भारत। दोस्तों, अब हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा। बल्कि आपको पता है, सैन्य ताकत और डिफेंस के मामले में हमारा देश भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ताकत के मामले में हम दुनिया भर के देशों के तुलना में चौथे स्थान पर हैं। हमारे देश की सरकार सालाना अपने देश की आर्मी पर तकरीबन $50 बिलियन खर्च करते हैं, जो दुनिया के कई देशों के कुल सालाना बजट से भी ज्यादा है। अगर हम अपने देश की आर्मी की बात करें तो हमारे देश में एक्टिव फ्रंटलाइन जवानों की संख्या तकरीबन 13,00,000 है। ये 13,00,000 जवान दिन रात अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अलावा हमारे देश की थल सेना के पास तकरीबन 6,434 मारक टैंक हैं, जो जंग पे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा हमारी वायुसेना के पास तकरीबन 1,095 एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, जो कितने ज्यादा मारक हैं ये दुनिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान देख ही लिया। अगर भारत की नेवी की बात की जाए तो हमारे देश की नेवी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इंडियन नेवी के पास तकरीबन 95 पनडुब्बियां हैं, जो समुद्र के अंदर हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। नंबर 2, चीन। ये तो आपको मालूम ही होगा कि चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी सेना सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक गिनी जाती है। वो अपने रक्षा तंत्र को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है। पिछले 25 वर्षों में चीन ने अपने रक्षा बजट में 10 गुना से ज्यादा का इजाफा किया है। इस वर्ष उसने अपने रक्षा बजट में 8% की बढ़ोतरी की है। दोस्तों, थल सेना के मामले में भी चीन दुनिया में शीर्ष पर है। वो तेजी से सैन्य सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। वो दुनिया के कई देशों में मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। चीन के पास 23,00,000 सशस्त्र सैनिक और करीब 5,10,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। यही नहीं, अर्ध सैनिक बलों के रूप में उसके पास 6,60,000 सैनिक हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि चीन की आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2, रूस। दोस्तों, रूस की सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, यह आप इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में देख ही सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सेना के मामले में दूसरा नंबर रूस का ही है। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक हैं, जबकि उसके पास 3,429 एयरक्राफ्ट और 44 सबमरीन्स भी हैं। रूस की सेना में 7,66,055 सैनिक हैं, जो देश सेवा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं अगर हम रूस के सेना बजट की बात करें तो रूस की सेना का बजट $84.5 बिलियन है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली सेनाओं में अमेरिका की सेना सबसे पहले पायदान पे आती है। अमेरिका अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका का सबसे बड़ा पारंपरिक सैन्य लाभ उसके 10 विमान वाहक पोतों का बेड़ा है। इसकी तुलना में भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा कैरियर है और वो अपने तीसरे कैरियर का निर्माण कर रहा है। अमेरिका के पास अब तक किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक विमान, नौसेना की नई रेलगन जैसी अत्याधुनिक तकनीक भी मौजूद है। इसके अलावा उनकी एक बड़ी आबादी प्रशिक्षित भी है और यही वजह है कि अमेरिका सैन्य मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।